हमारी न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। Hey guys, welcome back to our new vlog। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि का 7th डे है आज, तो हमने आज फास्ट रखा है, तो आज हम जल्दी भी उठ गए थे और जल्दी उठने के बाद हम नहाए। नहाने के बाद भगवान जी को जोत करी हमने, और उसके बाद शीतल को काम था, कपड़े वगैरह भी धोने थे उसने, तो वो भी धो लिए हैं। और उसके बाद हमने खाना वगैरह सब करके, तो अब मैं टाइम आ गया है मेरे को जॉब पे निकलने का, तो मैं जॉब के लिए निकल रहा हूँ। जॉब से आने के बाद आज जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ मेला लगता है नवरात्रों का, तो आज शाम को काम से आने के बाद तो हम वहाँ पर जाएंगे आज, ठीक है। वहाँ पर इंजॉय करेंगे, जो जो भी करेंगे आपको सब दिखाएंगे। और हाँ, वहाँ पर जाने के साथ साथ आज मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, तो उनके साथ जाएंगे हम, तो जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ। इस तब तक के लिए बाय, शाम को मिलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। हे गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं अपने काम से वापस आ चुका हूँ, अब हम यहाँ से निकलेंगे। मैंने अपने दोस्त को कॉल कर लिया है, वो मुझे कहीं रास्ते में मिलेगा, तो हम उसकी कार में बैठ के तो वहाँ जाएंगे, तो आप वीडियो देखते रहें और इंजॉय करें हमारी वीडियो। और गाइस, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम निकलते हैं मनसा देवी के लिए, तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहो। आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, और ये बंदा अभी तक नहीं आया। ये बंदा हमेशा ऐसे ही करता है, अपना काम जब उसको हो तो ये जल्दी आ जाता है, और दूसरों के किसी काम को ये हमेशा लेट करता है बंदा। और वैसे कह रहा था जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी करो, और अब खुद ये लेट आए बंदे की गाड़ी, और ये आ गया लेट लतीफ। देखो यहाँ पर मनसा देवी की इतनी भीड़ लगी हुई है, दूर दूर से देवे हैं यहाँ पर। और ये आ चुका है बंदा लेट लतीफ हमें लेने के लिए। ये यहाँ पर एक कोनी साहिब गुरुद्वारा भी है, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ पर भी भीड़ है बहुत। हाँ मैं गया हूँ एक बार ना, ज्यादा ही सिक्योरिटी करी हुई है इन्होंने आज, मतलब नवरात्रों में होती है यार इतनी सिक्योरिटी। यहाँ पर लगा हुआ है जाम, बस हम पहुंच चुके हैं, बस गेट के बाहर ही हैं। एक इधर से रास्ता है और एक इधर से रास्ता है, भीड़ भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हमें पता नहीं हमारी बारी आएगी कि नहीं आएगी। हम तो टेक आए थे, एक तरीक को ही जाके टेक आए थे हम दोनों, एक को कुछ नहीं था, दो तरीक से नवरात्रे थे ना, तो हम पता नहीं ऐसे ही सामान लेने आए थे मंदिर वगैरह का, तो वहां से फिर हमने माथा भी टेक लिया। तब भी लाइन थी वहां तक, क्या नाम, जहां तक वो नहीं है जहां से स्टार्टिंग होती है, वहां तक थी लाइन। है बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है मनसा देवी, और भीड़ भी अच्छी खासी है। हम पहुंच चुके हैं महल में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है यहाँ पर, दुकानें वगैरह सब लगी हुई हैं, और बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। और ये दोनों चल रहे हैं दोस्त जो लेट लतीफ थे। यहाँ पर मार्केट है बहुत सारी, बहुत बड़ी मार्केट है, हम कुछ खा नहीं सकते, ये सबसे बड़ा घाटा हुआ वहाँ पर। चलो कोई नहीं, अगली बार आएंगे तो फिर एंजॉय करेंगे। तो गाइस ये लगी हुई है मनसा देवी माता मंदिर की लाइन माथा टेकने के लिए, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ये कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर की लाइन होगी जो ये लगी हुई है। यहाँ पर ये सारी शॉप्स लगी हुई हैं, जूता घर है यहाँ पे, और ये माता का सामान, माता जी की
चुन्नी वगैरह जो वहाँ पर हम चढ़ाते हैं, नारियल वगैरह सब है यहाँ पे। तो देखते रहिए गाइस, आप सभी माता जी का शुद्ध प्रसाद यहाँ पर आपको मिलेगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये देखो गाइस बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, मैंने आपको बताया ही था, कम से कम 2 किलोमीटर होगा। और यहाँ पर लंगर के लिए भी लाइन लगी हुई है। सूचना यहाँ पर किसी का पति खो गया है और ए वो लेडीज अपनी वो करवा रही है अनाउंसमेंट यहाँ पे। तो गाइस आप अपनी फैमिली के साथ आओ तो सतर्क हो के आना, हाथ पकड़ के चलना। तो गाइस हमारे साथ यहाँ एक कांड हो चुका है, हम झूला झूलने के लिए आए थे। ये गाइस पटियाला मंदिर को रास्ता जा रहा है जो ऊपर को जा रहा है, और यहाँ से पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर लंगर के लिए भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर ये जो जहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ पर लंगर हो रहा है। ये रहा गाइस भंडारा श्री माता मनसा देवी का, लाइन बहुत बड़ी लगी हुई है यहाँ पर। हम निकल चुके हैं मनसा देवी से और ये आ चुका है रोड, और हमारे साथ कांड हो चुका है मनसा देवी में। जिस चीज़ के लिए आए थे वो तो हुई नहीं, आपको पता लग ही गया होगा ब्लॉग देख के, और जुड़े रहे ब्लॉग में। तो बताते हैं घर जाके हम आपको क्या हुआ हमारे साथ। मनसा देवी में अभी भी भीड़ आती हुई, भीड़ कम होगी भाई, ये भक्त आ रहे हैं मनसा देवी के। हेलो, इतनी अभी भी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर जाने के लिए, कि लास्ट डे है ना इस, मतलब 2-3 दिन बचे हुए हैं इस करके इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। और ये आपको बताया था मंजी साहिब यहाँ पर गुरुद्वारा है, ये भी बहुत अच्छा है। हम आएंगे तो आपको दिखाएंगे, अगर हम यहाँ पर आए थोड़े टाइम बाद तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है ये आपको पता है, हम मनसा देवी से आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारी एक्टिवा खड़ी हुई है और हम एक्टिवा पर अपने घर जाएंगे। तो ये हैं मेरे दो दोस्त, ये आपको जैसे बताया था लेट आता है बहुत ज़्यादा। तो अब आगे ब्लॉग में मिलते रहेंगे आपको, अब घर पहुंच के आगे की डिटेल बताते हैं कि तब तक के लिए क्या रहा हमारे साथ, ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। बाय। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो गया। मजाक ये हुआ कि हम गए थे मनसा देवी एक तो दर्शन करने के लिए, ऊपर से हम मेला झूलने के लिए गए थे। वहाँ मेला लगा था, प्रॉपर झूले लगे हुए थे, बट हमें वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ मेला लगा ही नहीं है। तो वहाँ पर फिर हमने सोचा चलो आज हमारा फास्ट है तो हम भंडारे का प्रसाद खा लें। प्रसाद के लिए भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, तो फिर हमने बाहर से ही मत्था टेका और हम वापस आ गए। और फिर हमने अब घर पर आके जो प्रसाद का यानी कुट्टू के आटे की रोटी व आलू की सब्जी हमने मैं बना के गई थी, तो अब हम वो खाएँगे। और जैसा कि आपने देखा कि आज इनके फ्रेंड्स भी आए थे तो हम मिले, और धीरे धीरे वो आगे हमें और भी ब्लॉग में देखने को आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ ब्लॉग के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे ब्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और आगे आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आएंगे, तब तक के लिए गाइस बाय। और हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जरूर। बट जस्ट 1 मिनट, कल हमारे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो मैं आपको वो कल दिखाऊंगी, तो वो वाला व्लॉग आपको मिलेगा परसों, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि वो गेस्ट कौन हो सकते हैं। तब तक आप गेस करना कि कौन होंगे, क्योंकि ये कमेंट करके जरूर बताना, कल तक मिल जाएगा और वो कल आएंगे इवनिंग में, तो आप जरूर बताना कमेंट्स में। बाय।